मोदी सरनेम मामले में गुजरात कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से दिल्ली की सियासत का पारा हाई है। कई विपक्षी दल राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। तेजस्वी यादव से लेकर केजरीवाल तक ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि राहुल की सदस्यता जाने के बाद अगर उन्हें ऊपरी अदालत से भी झटका मिलता है तो राहुल के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सुझाव दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय दलों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों का अपमान किया है। पहले ये कांग्रेस ने किया और अब भाजपा ये करती है। ये कांग्रेस के लिए एक मौका है, वो क्षेत्रीय दल को आगे रखे और फिर चुनाव लड़े, तभी वो भाजपा के खिलाफ जीत सकते हैं। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूँ। वो नेशनल पार्टी है, केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। वही अखिलेश यादव ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर से सीनियर नेता से लेकर जमीनी नेता कह रहे हैं कि पिछड़ों का अपमान हो गया। बीजेपी के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया था, तब अपमान नहीं हुआ, और अभी मेरे एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कई गंगा जल छिड़क दिया तो मुकदमा लग गया। हमारे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे हैं तो कोई अपमान नहीं, लेकिन अगर हम वही करें तो मुकदमा लिख दो। गंगा जल का प्रयोग शुद्धि के लिए किया जाता है, वही जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास को धोया उन पर धाराएं नहीं लिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे, और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस ये देखिए, धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी है, 295A 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे, और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए वाली। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये केरल के वायनाड से सांसद थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। बहरहाल राहुल गांधी के सदस्यता जाने पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी इसे कोर्ट का फैसला बता रही है। आने वाले दिनों में इस मसले पर क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।